हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिर से एक न्यू गेम प्ले के साथ आ चुके हैं और हम लोग उतरते हैं जोर्जो पुल। अब देखो गाइस, एक स्क्वेड का ग्लिच क्या ही होता है। जैसे मैं आइस घुमा के देखता हूँ तभी देखो गाइस, ये बंदे भाई, इन लोग का हो जाता है पैराशूट ग्लिच एंड हम लोग उतरते हैं भाई कंटेनर। अब भाई अपने बंदे को भगाता हूँ तो भाई बहुत स्लो रहता है, नीचे जाने वाला रहता है। सो अब जैसे जाता हूँ मैं तभी देखो भाई, ये बंदा गोली उठाता है और मैं और जैसे इसको नॉक करता हूँ आगे की ओर जाता हूँ तभी देखता हूँ मेरे M4 में गोली बहुत कम है एंड इसको आता हूँ फिनिश करता हूँ और इससे गोली लेता हूँ। और अब देखो जैसे ही मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, अब उसको कवर देने के लिए आगे की ओर जाता हूँ तभी देखो गाइस ये साउंड आता है मेरे को और ये बंदा पुश करता है मेरे टीममेट को एंड तभी इसको नॉक एंड फिनिश करता हूँ एंड मेरा टीममेट हो जाता है तब तक रिवाइव। अब चलते हैं आगे की ओर एंड गाइस इसको मैं लूटता हूँ और तभी देखो भाई ये बंदा भाग रहा है, तो इसके हाथ कुछ नहीं लगा था और खैर कोई नहीं, इसके हाथ कुछ भी नहीं लगा एंड ये जा रहा था वेयर हाउस, तो इसकी इधर ही हम लोग बना देते हैं पेटी एंड चलते हैं अभी आगे की ओर। और गाइस मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ अपने मतलब माइक चालू करके अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि यहाँ पे अभी पूरे 4 बंदे उतरे थे जिसमें से अभी एक बाकी है और तभी देखो भाई ये बंदा कहाँ पे छुपा रहता है। और जैसे इसको मारने के लिए आता हूँ ये किल मेरे टीममेट को चले जाता है, तो उसकी पेटी वेटी लूट के बाद चलते आगे को। तभी देखो ये स्प्रे भी ऐसे इसका, ओ भाई मतलब पता नहीं कहाँ से मारता है। तभी देखो एक बोट आया भाई और जैसे स्प्रे दिया भाई वो कवर में चले जाता है। और गाइस अभी आपको देखने मिलेगा क्लच, तो ये बोट को नॉक एंड फिनिश करता हूँ तभी देखो गाइस मेरा 2 नंबर टीममेट नॉक हो जाता है। पीछे एक बंदा और गेम करके बैठ रहता है, एक बंदा नहीं पूरी स्क्वेड आ जाती है घूम के आती है क्योंकि वो गेम नहीं किया रहता है। और गाइस जैसे मैं आगे बढ़ जाता हूँ तभी देखो ये बंदा मेरे टीममेट पे कर रहा था रश, तो मैं इसकी बना देता हूँ पेटी। और अब देखो गाइस सामने एक बंदा और है, अब इस पे करेंगे हम लोग सीधा रश। तो मैं अपनी बैरल को रिलोड करता हूँ और तब देखो गाइस ये एंड टायर अप फिनिश, तो ये बोट भैया आते हैं एंड ये बोट भैया को मार देते हैं भाई। मतलब फाइट के बीच में जोर्जो पुल फिक्स है, बोट बीच में आएंगे जब तुम्हारा हेल्थ कम हो जाएगा, बीच में उंगली करने की बहुत आदत रहती है। सो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे हेल्किट वेल्किट मारते हैं एंड अपने आप को हिल विल करते हैं। और भाई यहाँ पे पेटी लूटना जरूरी है क्योंकि हमारे पास उतनी एमओ और हेल्थ रहता नहीं है। सो हम लोग अब उन लोग की पेटी बनाने के बाद उन लोग की पेटी लूटते हैं और चलते हैं गाइस आगे की ओर। अभी गाइस यहाँ पे फाइट रुकी नहीं है, सो गाइस फटाफट से लाइक करना मत भूलना भाई। ये फाइट कैसी लगी जोर्जो पुल की, उतरते भाई भाई गन मिली और फाइट स्टार्ट। सो गाइस कैसे लगा फटाफट से कमेंट करके जरूर, तभी भाई मैं बग्गी लेने के जाता हूँ तभी देखो भाई ये तो बोट था भाई, तो ये बोट ही रहता है एंड हम लोग इसको नॉक और भाई बहुत सारी गोली में इसको करते हैं फिनिश। तो कोई नहीं मैं बग्गी की ओर जाता हूँ और जैसे बग्गी उठाऊंगा तभी देखो गाइस ये बंदा रहता है या बोट, कमेंट करके फटाफट से बताना एंड तब ये स्प्रे कैसा लगा फटाफट। तो जैसे मैं अपनी M762 स्विच करके उसको स्प्रे देता हूँ भाई, उसको एक गोली नहीं M7 से लगती है क्योंकि भाई M7 उतना दूर स्प्रे मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए। सो कोई नहीं अब मैं आता हूँ इधर वेयरहाउस पे वो बंदे को ढूंढने के लिए, बट गाइस वो बंदा यहाँ पे नहीं रहता है। अब देखो भाई वो बंदा नहीं रहता है, वो रहता है एक बोट। और जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तभी देखो भाई सामने मैदान में मेरे को दिखता है और इसको करते हैं नॉक और चलते हैं इसको फिनिश करने के लिए। और जैसे मैं फिनिश करने के लिए जाता हूँ तभी देखो गाइस सामने एक बोट और भाग रहा है वो पहाड़ की ओर। आप देखो गाइस इसको फिनिश करने के बाद मतलब गाड़ी चढ़ाने के बाद सीधा उसके पे जाएंगे, शायद आप लोग को नहीं दिखा होगा क्योंकि अब वो रिच के नीचे जा चुका है। और जैसे आते हैं इनको गाड़ी चढ़ाते हैं, तो इनको गाड़ी चढ़ाने के बाद हम लोग इनकी पेटी लूटेंगे और फिर चलेंगे आगे की ओर। सो कोई नहीं हम लोग इनकी पेटी लूटते हैं और अपने टीममेट को कॉल देता हूँ गाड़ी उठा और चलते गाइस बंदे ढूंढने के लिए। तो हम लोग काफ़ी बंदे ढूंढने नहीं मिले,
और सीधा आते हैं अपार्टमेंट। एंड जैसे आता हूँ तभी ये बंदा पता नहीं क्या करना चाह रहा था, तो आते ही इसकी बना देते हैं पेटी और अपने टीममेट को बोलता हूँ चलो। तब तक भाई गाड़ी का साउंड आता है और अब देखो भाई, मेरे को लगा इस साइड से आ रहा है, बट भाई देखो सामने से आता है और कहाँ और ये कार 98 छोड़ देखो भाई, अगर लगता ना तो भाई इधर पे मैं नोक नहीं होता, बट पता नहीं नोक भी हो सकता था शायद। और भाई ये हिल लगाने लगता है ऊपर जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके, और जैसे हिल लगाता है तभी तुम्हारा भाई इसको नोक एंड फिनिश करने की कोशिश करता है। तभी इसका टीममेट है वो नीचे से आता है, तो मैं ऊपर TPP लेता हूँ कि भाई ये मतलब सामने से मेरे टीममेट को फिनिश करने के लिए आएगा, बट नहीं ये घर के अंदर आ चुका रहता है, तो मैं ऊपर से नीचे कूद जाता हूँ क्योंकि मेरे को फिनिश नोक और फिनिश नहीं होना था। तो मैं नीचे जैसे आता हूँ तभी देखो गाइस इसका गन ग्लिच, जैसे ये मेरे को इसका गन दिखता है तभी मैं इसको नोक करता हूँ और जाता हूँ ऊपर फिनिश करने के लिए और इसको फिनिश कर देते हैं। तो इसकी पेटी वेटी लूटते हैं तो हम लोग को काफ़ी लूट मिल जाएगा, यहाँ पे हेल्थ बैंडेज सब कुछ मिल जाता, मतलब हमारे हेल्थ के लिए सब कुछ मिल जाएगा। और अब चलते गाइस आगे की ओर, बट हम लोग आगे नहीं जाएंगे, अभी इधर ही फाइट होने वाली है, देख के मज़ा आने वाला है। और एक दो स्क्वाड नहीं, यहाँ पे अभी दो दो स्क्वाड रश करने वाली है और हम लोग अपनी गाड़ी उठाएंगे। और अब देखो गाइस जैसे मैं नीचे जाता हूँ मेन बिल्डिंग के लिए, और तभी देखो गाइस यहाँ पे बोलते हैं ना लक, भाई अगर लक तुम्हारा अच्छा चलता है तो भाई मतलब कोई भी रोक नहीं सकता है। सो हम लोग आते हैं मेन बिल्डिंग में, जैसे यहाँ पे आता हूँ तभी मेरे को मिल जाती है 6X। अब आप पूछ रहे होगे लक क्यों बोल रहा है, एंड जैसे मैं देखो 6X को 3X करूँगा तभी देखो भाई एक मेरे को बोर्ड दिख जाता है, मतलब भाई 3X करते और करता हूँ ये बोर्ड को नोक। अब चलते हैं इसको करने के लिए फिनिश, एंड मेरा टीममेट भी फिनिश करने की कोशिश करते हैं तभी तुम्हारे भाई का स्प्रे जाता है उससे पहले भाई वो मर जाता है। सो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे मतलब एक बोट मारते हैं और सीधा अपनी गाड़ी उठाएंगे। और अभी मतलब यहाँ पे एक बंदा था जो मतलब हिल साइड था, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ बैठो और हिल पे चलते हैं रश करने के लिए, और अब देखो वो बंदा कहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा टीममेट बैठता है एंड मैं अपने दो नंबर को बोलता हूँ तू वेट कर, हम लोग ऊपर से आते हैं, तू मेरे को नीचे से कवर देना मतलब मेन बिल्डिंग से। और भाई वो भी अभी देखो नशा करके भाई गाड़ी उठा के सीधा चले आता है, और अब हम लोग चलते वो हिल वाले के इधर। सो यहाँ पे आते तो यहाँ पे नहीं रहता है वो, यहाँ से कहीं और चले जाता है, और अब उसको ढूंढते तभी मेरा टीममेट बोलता है वो नीचे साइड गया रहेगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे गाड़ी जैसे ठोकूंगा, और गाइस अब देखो ये बंदा कहाँ पे लेटा रहता है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं तभी मेरा टीममेट फायर देता है, और तभी देखो ये फायर आया और अब तुम्हारे भाई को इसको धोता है। तभी देखो गाइस ये कौन सी घास में लेटा रहता है, जो थोड़ा पीला पीला रहता है वाले घास में, मतलब गज्जे मतलब थोड़ा सा घना रहता है तो उसमें दिखते नहीं है बंदे, तो वो उसमें से भाई क्या ही कैंपिंग कर रहा था। एंड हम लोग आके आते तभी भाई मेन सी बिल्डिंग से हम लोग मेरे को स्प्रे आता है, और अब चलते हैं भाई इसकी पेटी बनाने क्योंकि मेरा टीममेट मेरे को कवर दिया था, इसके लिए मैं वहाँ पे नोक नहीं हुआ, नहीं तो शायद मैं नोक भी हो जाता। और अपने दो नंबर टीममेट को बोलता हूँ तू आगे चल, पता नहीं है कहाँ पे। तभी भाई ये किल मेरे दो नंबर को चले जाता है, और यहाँ पे इसकी पेटी वेटी लूटते हैं और अपने आप को बूस्ट करेंगे और चलते हैं गाइस आगे की ओर। और हम लोग गाड़ी उठा के अपने टीममेट को बोलता हूँ गाड़ी में बैठो और चलते हैं हम लोग बंदे ढूंढने। और जैसे हम लोग जाते तभी भाई मेरा टीममेट कॉल देता है यहाँ पे एक मैक्रिलियन आई, और अब देखो गाइस उसकी ये गलती हम लोग पे भारी पड़ सकती थी। और जैसे मैं इधर घुमाता हूँ गाड़ी तभी देखो ये स्प्रे, मतलब गाइस हम लोग मतलब अगर वो बंदा चाहता ना तो हम लोग को इजी उतार देता, बट भाई उसका स्प्रे मिस हो गया और हम लोग बच गए। अब चलते भाई उसको मिस करने के लिए, और गाइस यहाँ से आता हूँ तभी मेरे को भाई यहाँ से बंदा एक्सपोर्ट नहीं होता, और आप ऊपर की ओर जाएंगे और ऊपर से बंदे को एक्सपोर्ट करेंगे और उसकी पेटी बनाने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस जैसे यहाँ पर तभी मेरे को मैक्रिलियन दिखती है शेख के पास, और आप देखो
तो मैं सोचा मैकरिलियन फोड़ देता हूँ, बट भाई M4 की जगह वायरल रहता है, अब मैकरिलियन जैसे फोड़ने जाता हूँ तभी भाई वो मैकरिलियन लेके भागता और मेरे को स्कूल से पड़ती है मिनी। अब गाइस वो मिनी वाला देखो कितना दूर से मेरे को दे रहा है, तो मैं उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और अब ये देखो ये स्प्रे, और जैसे स्प्रे देता हूँ भाई, भाई उतना दूर है तो स्प्रे भाई नहीं जाएगा उतना अच्छा। एंड मैं बोलता हूँ अपने टीममेट को चलो चलते हैं रस करने के लिए, और गाइस तभी मेरा टीममेट हो जाता है नो। और गाइस आप देखो यहाँ पे वो स्क्वाड, मतलब दो स्क्वाड रहती है, एक डुओ रहती है एक स्क्वाड रहती है, तो करती है हम पे रस। और आप देखो कैसे बनाते हैं इनकी पेटी, जैसे आप यहाँ पे ओपन में बनना। तो गाइस इस बंदे को मैंने काफ़ी डैमेज दिया बट पेड़ के कवर में चला गया है। और गाइस आप देखो गाइस दूसरा बंदा भी ओपन से पेड़ के कवर में जाने की कोशिश करेगा, तभी देखो गाइस इसकी कैसे बनाते हैं पेटी। एंड जैसे आया तभी गाइस ये स्प्रे मतलब काफ़ी डैमेज देता हूँ, नोक हो तो खैर 1 HP 10 HP बचाएगा। सो इसको नोक करने की कोशिश करते हैं हम लोग, पूरी नोक करने की कोशिश करेंगे। सो जैसे ये दिखता है हम लोग को इसको नोक करने की कोशिश करते हैं टेप टेप मार के। सो मैं यहाँ पे बहुत काफ़ी मतलब उसको नोक करने के लिए मैंने पूरी एमओ वेस्ट कर दिया और अभी भी करने वाला हूँ। और देखो गाइस इसको कैसे नोक करते हैं। और गाइस जैसे उसका राइट से थोड़ा सा बॉडी दिखता है एंड गाइस उसको कर देता हूँ नोक, तभी ये बंदा आता है गाड़ी लेके, बट मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि लेफ्ट में बंदा ना रहे एंड तभी। सो गाइस ये स्प्रे, और बैरल का स्प्रे गाइस यहाँ पे, बच जाते हैं मेरे से एंड मेरा कर देता है टीममेट नॉक। सो गाइस वहाँ पे वो गाड़ी चला देता है और गाइस तभी ये बंदा भागता है। एंड गाइस मेरी M4 अगर रिलोड पे नहीं, मतलब मेरे M4 में गोली भी नहीं बची है, सो रिलोड पे नहीं आती ना तो वो बंदा फिक्स था नॉक हो ही जाता, क्योंकि उसको जोन से भी डैमेज मिला था और तुम्हारे भाई ने तो काफ़ी डैमेज दिया था। और अब हम लोग करेंगे गाड़ी लेके पूछ, और गाइस हम लोग आगे की ओर जाते तभी देखो गाइस मेरे 2 नंबर के साथ क्या ही स्कैम होने वाला है। और जैसे यहाँ से तभी देखो ये स्प्रे, हो जाती है हम लोग की गाड़ी का टायर दोनों फोड़ देते हैं और मेरा टीममेट 2 नंबर उतर गया भाई गाड़ी से। आप देखो गाइस इसका बचना यहाँ पे बहुत मुश्किल था, तो भी कोशिश करते हैं, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताना क्या यहाँ पे मेरा टीममेट 2 नंबर बच पाएगा या फिर इसकी पेटी बन जाएगी। सो मैं इसको इसलिए कवर नहीं दे पाता क्योंकि मेरे पास गोली नहीं रहती है। और जैसे दूसरी M4 से मैं स्विच करता हूँ मेरे को गोली मिल जाती, तभी देखो गाइस ये बंदा ओपन से रश करने वाला है। और गाइस जैसे ही ओपन से रश करने वाला तभी मैंने इसको नोक किया एंड गाइस मैं खुद नोक होने वाला था। फटाफट से इस स्प्रे के लिए लाइक ज़रूर करना एंड गाइस फटाक से कवर में आने के लिए। सो मैं यहाँ से अब रोटेट मारूंगा, और अब गाइस यहाँ का कमेंट करके ज़रूर बताना क्या यहाँ की फाइट हम लोग निकाल पाएंगे या फिर नहीं। तो गाइस फटाफट कमेंट ज़रूर करना और कुछ नहीं लाइक ज़रूर ठोकना, और सब्सक्राइब नहीं ठोकेगा तो सब्सक्राइब ठोक देना। और हम लोग आते हैं भाई ये वाली जगह पर, और देखो गाइस जैसे यहाँ पर मैं वॉल के पीछे आता हूँ और बंदा मतलब मैं सोचा ओपन से रच करेगा, तभी देखो पीछे से मिनी शॉट। तो गाइस यहाँ पे मैं नोक होने वाला था, नोक हो जाता अगर वो हेड हेड मारता तो पक्का मैं नोक हो जाता। आता हूँ यहाँ पे अपने आप को बैंडेज मारता हूँ, अब देखो गाइस उसको यहाँ पे आने नहीं देंगे। सो गाइस इस बंदे को टेप टेप नोक करने की कोशिश करते हैं बट भाई कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और अब देखो वो गाड़ी बग्गी लेके निकलता है, और आप देखो जैसे मैं बाहर आता हूँ तभी भाई सामने एक बंदा फ्लिंग मार चुका है। सो गाइस इस स्प्रे के लिए गाइस एक लाइक नहीं ठोके रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, फटाफट से लाल बटन या काला दबा देना, मतलब काला कर देना। और गाइस ये स्प्रे को भाई
नहीं चेयर मेरे को लगा, कोई नहीं। एंड मेरा टीममेट बोलता है रश कर दे क्योंकि वहाँ पे दोनों टीम फाइट ले रही है, और मैं अपने आप को हिल करता हूँ और सुविधा में अपने टीममेट को बोलता हूँ तो राइट से एंड मैं लेफ्ट से, और आप देखोगा इस बंदे की कैसे पेट बनाएंगे। तो मेरा टीममेट बोलता है वॉल के पीछे एंड तभी भाई इसकी बना देते हैं हम लोग पेटी। और गाइस अब बचे हैं लास्ट में दो बंदे और मैं स्मोक करता हूँ क्योंकि मेरे पास रहती नहीं है वेस्ट, तो मेरे को अभी चाहिए वेस्ट। तो मैं आगे की ओर जाता हूँ ये बंदे की पेटी लूटने के लिए, और गाइस इसके पेटी में भी मेरे को वेस्ट नहीं मिलता है, और दूसरी पेटी भी लूटने के लिए जाता हूँ और ये पेटी में भी मेरे को वेस्ट नहीं मिलता है। और अपने टीममेट को मैं कॉल देता हूँ कि मेरे को तू अपना वेस्ट दे, और कुछ नहीं बस इतना ही। और मेरा टीममेट कॉल देता है कि सामने दोनों बंदे हैं, मतलब दोनों सामने बंदे आप टीममेट हैं या फिर नहीं। तभी भाई यहाँ से मेरे को साउंड आता है और मैं आगे कंफर्म करने के लिए आता हूँ कि वो पानी में है या फिर ऊपर, तो मेरे को साउंड आता है एंड तभी देखो गाइस इसकी मुंडी। सो गाइस मैं यहाँ पे नोक हो सकता था अगर मेरी मतलब जो होलो था मतलब इसको भी बोल सकते हैं तो वो स्विच नहीं होती तो मैं यहाँ पे नोक हो जाता, बट कोई नहीं। और आप देखो गाइस जैसे मेरा टीममेट मार्क लगा था तभी देखो ये बंदा, और गाइस यहाँ पे ये बंदा पानी के अंदर जा चुका है। सो फटाफट से कमेंट करके बताना ये चिकन हमारे हाथ में है या फिर ये चिकन इस बंदे के हाथ में। एंड गाइस ये मेरे को यहाँ पे मेरा टीममेट स्मोक करता है बट मेरे को लगा बम और मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, मेरा टीममेट खोल देता है वो स्मोक है। सो कोई नहीं यहाँ पे मेरे को पानी में बंदा ये बंदा दिख जाता है और इसकी बना देते हैं पानी में पेटी। तो फटाफट से कमेंट करके बताना ये ग्लेशियर चिकन डिनर कैसा लगा। और गाइस मैं इतने दिन से वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मैं कर रहा था रैंक पुश, और भाई रैंक पुश में मतलब बहुत ज़्यादा ही हैकर आ रहे थे सुबह से लेके शाम तक, और शाम से लेके सुबह तक मैंने रैंक पुश किया बट भाई हैकर कम नहीं हुए और भाई बहुत माइनस खाए हूँ। सो कोई नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।